प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहो रात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय Thank you.
परिस्थिति का हेतु जो हम प्राप्त करते हैं उस परिस्थिति का हेतु प्रारब्ध है। कल हम लोग इस विषय में बात कर रहे थे। प्रारब्ध से ही परिस्थिति मिलती है। प्रारब्ध का अभिप्राय ये नहीं है कि वो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध शब्द का अर्थ शास्त्र में है जो कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गए, उद्यत हो गए, जो परिपक्व कर्म हैं उनको हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं। तो भगवान का वैसे कोई प्रारब्ध नहीं होता, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, इसलिए उनका कोई प्रारब्ध नहीं है। लेकिन भगवान के अवतार का एक बड़ा कारण होता है, तो भगत हेतु अवतरु गोसाई, एक चरित्र की स्थापना करते हैं। करत चरित नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान जब चरित्र करते हैं तो वो हमारे अनुसरण के लिए करते हैं। भगवान जब लीला करते हैं तो लीन करने के लिए करते हैं। लीनातीति लीला। तो भगवान के चरित्र में दो चीज़ें देखने में आती हैं, लीला है और चरित्र है।
और एक हम लोग बोलते हैं गुण। उसमें भगवान के जो अलग अलग प्रसंगों में गुण प्रकट हुए, गुणों में ही भगवान का रूप भी आता है, ध्यान रहे, और गुणों में ही भगवान का नाम भी आता है, हाँ? तो नाम चाहे तो गुण बोल लें, नाम चरित्र लीला, कुछ लोग नाम और गुण को अलग अलग करते हैं। तो नाम गुण चरित्र लीला और एक और है धाम। भगवान का धाम चिंतन करने से भी भगवान की उपासना होती है। हाँ, जो लोग बहुत तपस्या पूर्वक सावधानी से किसी तीर्थ में गए हों और बहुत ध्यान से वहाँ दर्शन किया हो, टूरिज्म के लिए नहीं, तीर्थ के लिए तीर्थ में गए हों, और जो वहाँ धाम का प्रभाव है उन्होंने अपने हृदय में रखा उसको, और फिर जब वो अपने घर आए और धाम का चिंतन करते हैं, वो बहुत बड़ी उपासना मानी जाती है। मैंने एक संत हमें मिले गांव में, वो बोलते थे मैं रोज़ केदारनाथ जी जाता हूँ, फिर बद्री धाम जाता हूँ। चारों धाम उन्होंने किया था, तो अपनी छोटी सी कुटिया में बैठ के तो धाम चिंतन करते थे, नेचुरली वहाँ भगवान का दर्शन भी करते होंगे। तो ये उपासना के तरीके हैं, भक्ति करने के तरीके हैं। एक व्यक्ति जा रहा है तीर्थ में खिलवाड़ करते हुए, तो हो सकता है उसका चिंतन इतना अच्छा न होवे, लेकिन एक व्यक्ति जाता है सचमुच में तीर्थ करने के लिए, वो जितना हो सकता है व्रत रखता है, जितना हो सकता है नियम रखता है, और फिर जब वो लौटता है तो उसकी जो की गई तीर्थ यात्रा है वो फिर घर में बैठ के साधना बन जाती है। तो इसको धाम चिंतन बोलते हैं। कृष्ण भक्त लोग जो हैं वो वृंदावन धाम का चिंतन करते हैं, राम भक्त लोग हैं वो श्री अवध का हैं। एक दिन मैंने बैठाया था उसको, एक लड़का हमारे यहाँ वृंदावन से आया है, तो बात करते करते बहुत अच्छा लगा मुझे, वो थोड़ा भावुक हो गया। तो ये धाम चिंतन होना चाहिए, ये भक्ति है, नाम चिंतन होना चाहिए भक्ति है, गुण चिंतन होना चाहिए ये भक्ति है, चरित्र का चिंतन होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए और अनुकरण भी होना चाहिए। तो गोस्वामी ने चरित्र के बारे में यही लिखा, करत चरित नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान जब चरित्र करते हैं तो वो हमारे अनुसरण के लिए करते हैं कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए तो बहुत हर्षित होने की बात नहीं है। भगवान जब गंगा पार गए तो उनको बहुत संकोच हो रहा था, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच होता है कि इसने गंगा पार कराया, मैंने इसको कुछ दिया नहीं। तो वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये जो भगवान का संकोच है ये हमारे मन की कुटिलता को हरे। जो हमारे मन में रहता है ना, ये तो काम मुक्त हो गया, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। अगर हमने किसी से सेवा ली है
तो उसका उसको कुछ न कुछ प्रतिदान करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो दाम्पत्य जीवन में दोनों एक हो जाते हैं, तो जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतारी, मनी मुद्री मन मुदित उतारी। भगवान फिर बोलते हैं ले हो उतराई, उतराई लो। तो वो एक प्रसंग है, वो चरित्र है, वो लीला नहीं है। लीला क्या हुई, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, ये लीला हुई। एक ही साथ भगवान जब लौटे ना 14 वर्ष के बाद, तो एक ही साथ सबके साथ मिल लिया उन्होंने, ये लीला हुई। इसका अनुसरण हम लोग नहीं कर सकते। इससे भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन होता है। एक साथ सर्व रूप में उपस्थित हो सकते हैं, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। माने मित्र से मित्र बन के मिले और गुरु से शिष्य बन के मिले एक ही साथ, ये उनका ऐश्वर्य है। तो कृष्ण भगवान जम्हाई लेते हैं और यशोदा जी ने उनके मुंह में पूरी दुनिया देखी। आप समझते हैं ये चरित्र नहीं है, ये लीला है। इसका अनुसरण हम लोग नहीं कर सकते। इतनी विशाल पूतना है और जब वो गिरी, चूस लिया प्राणों को भगवान ने, तो वो जब गिरी तो भगवान उसकी छाती पे खेल रहे थे छोटे से। अब आप इसका अनुसरण थोड़ो कर सकते हो। हाँ, ये लीला तो लीन आती, लीला तो लीन करती है। भगवान का ऐश्वर्य बोध होता है भक्त के हृदय में, यह बोध जागृत होता है कि वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। द्रौपदी के चीर का संवर्धन किया भगवान ने, वो लीला है। आप और हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते। तो यह विभाग जानना चाहिए कि भगवान की लीला कहाँ है और चरित्र कहाँ है। चरित्र है तो अनुसरण करना है, लीला है तो ऐश्वर्य को जगाना है। भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के लालित्य को, भगवान के माधुर्य को हृदय में उद्बुद्ध करना, हृदय में उसको जगा देना, ये लीला का प्रयोजन होता है। गुण चिंतन, कृपा चिंतन, नाम चिंतन, धाम चिंतन, ये उपासना के अलग अलग रूप हैं। तो यह जो भक्त है, जब इस तरह की उपासना करता है, करता है, करता है, तो यह जो उपासना है ये उसके भीतर सामर्थ्य देती है। हाँ, वही सामर्थ्य देती है। आई कहाँ से वो सामर्थ्य, प्रभु से आई। किस बात की सामर्थ्य देती है कि परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया का जो स्तर है वो कभी भी नीचा नहीं होगा। भगवान ने करके दिखाया ये। उनको वनवास हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया वही, उनको राज तिलक हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया वही। विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अवसेकु। बोले इतना निर्मल वंश है रघुवंश, इसमें एक चीज अनुचित है। क्या अनुचित है, सारे भाइयों को छोड़कर के केवल बड़े को ही राज देना, ये बात ठीक नहीं है। माने खुशी मनाते हैं ऐसा नहीं है, उनको एक तरह का संकोच होता है कि हम सब लोगों का जन्म एक समय में हुआ, विवाह भी एक बार हुआ, पढ़ने गए हम सब लोग एक साथ, और अब
कल मैं राजा बन जाऊंगा और बाकी लोग प्रजा बन जाएंगे। माने ऐसा नहीं है, राजा प्रजा का भेद तो ये है ना कि फिर लक्ष्मण जी प्रजा हो जाएंगे, भरत जी प्रजा बन जाएंगे, इतना विभाग खड़ा होगा। जानते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि राज्य कोई खेत बारी नहीं है कि उसका बंटवारा हो जाए। राज्य को तो अखंड रहना ही है, उसके लिए राज्य को बांटा नहीं जा सकता। तो राजा तो एक ही होगा। प्रथा ये थी कि बड़े ही राज। तो यह जो भगवान का चरित्र है, जब धीरे 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 हृदय में आता है तो फिर हमारी प्रतिक्रिया भी उठती है धीरे धीरे। और वो प्रतिक्रिया अगर उठती है तभी समझना चाहिए कि हमारी साधना में कोई प्रगति हो रही है। हम जब करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया में कोई उन्नयन नहीं है, हमारी प्रतिक्रिया वहीं की वहीं, तो फिर इसका मतलब है अभी दूरी बहुत है। इसका मतलब ये मत लगाना कि जब करना गलत है, प्लीज। इसका मतलब केवल इतना है कि दूरी बहुत है, अभी बहुत कमाई करनी बाकी है। जो हम कर रहे हैं वो जरूर करना है, लेकिन अभी दूरी है, अभी सफलता दिखाई नहीं देती। तो यहाँ जब हमारे वाल्मीकि जी से भगवान मिले और उन्होंने बताया कि ये हमारा भाग्य है कि मुझे वनवास हुआ, मैंने इस लेवल की जो प्रतिक्रिया है, इस स्तर की जो प्रतिक्रिया है, ये देखने में नहीं आती कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए और सब उनको अच्छा ही अच्छा दिखता है। तात वचन उनी मात हित, माता जी का हित है, पिताजी का वचन सिद्ध हुआ, भाई भरत अस राऊ, और भरत भाई जैसा सम्राट मिला प्रजा को, मुझको क्या मिला? बोले हमको सबसे ज़्यादा मिला, क्योंकि अगर मैं कहीं राजगद्दी पे होता तो कभी कभी संत लोग मिलने आते। ऐसा नहीं कहा कि संत नहीं मिलने आते, ऐसा नहीं कहा। ध्यान दें क्या लिखते हैं, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु। अब आप पता नहीं आते कि नहीं आते। 41वें श्लोक में लिखा, मो कहूं मिलन विशेष, मुनिगन मिलन विशेष मोहि, विशेष शब्द जोड़ा हुआ, मुझे मुनियों का विशेष मिलन प्राप्त होगा। मैं गद्दी पर बैठता तो शायद मिलता कि नहीं मिलता, मिलता जरूर, क्योंकि भगवान तो धर्म सम्राट है, तो वहाँ भी संत जरूर आते, मिलने आते, लेकिन यहाँ तो खुद ही जा सकते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, खुली छूट है। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। तो क्या चाहते हो राम? तो वाल्मीकि जी बोलते हैं, वाल्मीकि जी से भगवान बोलते हैं, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं बहुत दिनों तक रह सकूँ। मेरे पास 14 वर्ष का समय है, मैं कोई पर्णकुटी बनाऊँगा, सुंदर सी कुटिया बनाऊँगा। मैंने यहाँ भी शब्द सुंदर शब्द जोड़ रखा है। क्या बोलते हैं, तह रचि रुचिर परन तृणशाला। माने भगवान को सौंदर्य प्रिय है, चाहे वो पर्णकुटी हो, ये ध्यान में रखना चाहिए।
कभी गुरुदेव ने कहा था, यू चेज द ब्यूटी, क्योंकि वही उनका स्वरूप है। आप समझते हैं ना, सबसे सुंदर वस्तु क्या है? भगवान स्वयं। अगर कहीं सुंदरता दिखती है तो वो भगवान से आई है। एक संत मिले मुझे काशी में, वृद्ध संत थे। जब वो मुस्कराते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद भगवान ऐसे ही मुस्कराते होंगे। वृद्ध संत थे, उपासना बहुत गहरी थी उनकी। मैं दर्शन करने के लिए गया तो भगवान की जो मुस्कान है ना, वो उनके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी दिखती थी। ये उपासना का फल है। सारी सुंदरता चेहरे में नहीं होती। आप जानते हैं, शबरी आदिवासी थी, भीलनी थी, ये उनका बैकग्राउंड था। लेकिन उन्होंने साधना इतनी करी, इतनी साधना करी कि भगवान बोलते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। अगर रामायण का अभ्यास हो तो आपको ज़्यादा रस आएगा। शबरी को भामिनी बोलती हैं। आप तो भामिनी हो, चमकती हो, वृद्धा थी, ध्यान रखना, शबरी माता वृद्ध थी, उनको भगवान बोलते हैं तुम भामिनी हो, तुम चमकती हो, तेजस्विनी हो। वो कहाँ से आई होगी खूबसूरती? वो वहीं से आई होगी। उपासना व्यक्ति को सुंदर बनाता है। इसलिए जितनी संभव हो उतनी उपासना होनी चाहिए जीवन में। कम हो सकती है तो कम करो, लेकिन ज़्यादा हो सकती है तो ज़्यादा करो। ये तो अपने अपने स्टेमिना पे डिपेंड करता है। तो भगवान पर्णकुटी भी बनाने की बात करते हैं तो साथ में जोड़ते हैं, तह रचि रुचिर परन तृण शाला। मैं तृणों की एक शाला बनाऊंगा, एक कुटिया बनाऊंगा, लेकिन सुंदर बनाऊंगा। ये ध्यान में रखना है हम लोगों को। तह रचि रुचिर, तो ये है हमारे भगवान का सौंदर्य प्रेम। बस एक शर्त है। क्या शर्त है? मुनि उद्वेग न पावई को। किसी मुनि को उद्वेग नहीं होना चाहिए। जब मैं निर्माण करूं तो ऐसा न होए कि कोई ऋषि मुनि को तकलीफ हो जाए, वो नहीं चाहिए मुझको। ऋषि मुनि को तकलीफ देके तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ऋषि मुनि को आराम देने के लिए तो मैंने वैकुंठ बनाया था, उनको थोड़ो वैकुंठ चाहिए। उनको ऐश्वर्य क्या है? ये तो हमारे ही लोगों को कोई कहता है, सिद्धवाड़ी आप तो स्वर्ग में रहते हो। हमने कहा, भाई मेरा अपमान मत करो, मैं तो कैलाश में रहता हूँ, मैं स्वर्ग में क्यों जाऊँगा? स्वर्ग तो भोग नगरी है, वहाँ मुझे मेरा क्या काम है? ये तो वैकुंठ है या फिर कैलाश है। और कैलाश ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ रोज़ वेदांत की पढ़ाई होती है। तो ये तो दूसरे ढंग का लोक है ना भाई। हमारे वाल्मीकि जी मगन हो गए देख करके कि देखो ये राम जी का चरित्र कैसा है, क्या बोलते हैं वो। प्रभु आप जैसा कह रहे हो ना, वो आप ही के लायक है। कस न कहो अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। आप वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म के पालक हो। क
कौन हो आप, जरा मैं अपनी जानकारी बता दूं आपको। वाल्मीकि जी बोल रहे, श्रुति सेतु पालक राम तुम। राम जी, आप सनातन धर्म के एकमात्र ट्रस्टी हो। ये बहुत सुंदर विशेषण है भगवान का। सनातन धर्म क्या है? अब एक तो उसका बहुत विस्तार है, वेद मूलो ही धर्म, लेकिन जो मूल धर्म है, जो कभी नहीं मिटता और जो किसी आचार्य ने उसको प्रवृत्त नहीं किया, सनातन धर्म क्या है? जिसका आरंभ किसी आचार्य ने नहीं किया। जितने भी धर्म हैं उनको किसी न किसी आचार्य ने प्रवृत्त किया, वो सनातन हो नहीं सकता क्योंकि एक समय में उसका आरंभ हुआ। ध्यान रहे बच्चे लोग, सनातन क्या है? भीतर हम सभी लोग सत्य को प्रेम करते हैं। महाजुट्ठा आदमी भी सत्य को प्रेम करता है, वो चाहता है कि मेरा साथी जो है वो सत्यवादी हो। ये किसने सिखाया? उसकी संगति खराब थी, मान लो उसकी पढ़ाई लिखाई खराब थी, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मुझे मेरे से ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई मित्र मिल जाए, ये कभी नहीं बोलता। हर व्यक्ति साहस को प्रेम करता है, कायरता को कोई नहीं। हर व्यक्ति विनम्रता को प्रेम करता है, उद्दंडता को कोई नहीं। आप बताएं, आप में से कोई ऐसा है जो उद्दंड व्यक्ति को प्रेम करे? कोई नहीं। आपको किसने सिखाया है? तब सीखा आपने। मैं नहीं समझता। जो स्वयं उद्दंड है वो भी अपने आसपास विनम्र को ही चाहता है। कितने लोग हैं जो दंभ को प्रेम करते हैं? दंभ माने ढोंग, हिपोक्रेसी। कितने लोग हैं जो दंभ को प्रेम करते हैं? मैं ऐसे कई गुणों को गिना सकता हूं, लेकिन संक्षेप में समझना चाहिए, सनातन धर्म यही है। इसको किसी आचार्य ने सिखाया नहीं। मैं ऐसे बोलूं तो आप अन्यथा न लें, माता पिता ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन हम में भी है ये और आप में भी है। मैं कभी ऐसे सोचता हूं कि आदमी जब सिनेमा देखने जाता है तो वो ये क्यों चाहता है कि हीरो की विजय हो? आप सोचेंगे ये स्वामी जी क्या क्या सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं। और हमारी जो खुजली है दिमाग की, आदमी, हर आदमी क्यों चाहता है कि खलनायक हार जाए? और तो क्या बोलूं, अगर कोई खलनायक वहां बैठा है सिनेमा हॉल में तो वो भी यही चाहता है कि हीरो जीते। क्यों चाहता है वो? हीरो किसको उसने कहा? जिसके भीतर सनातन धर्म दिखाई देता है उसी को हीरो कहा उसने। किसी ने उसको समझाया नहीं था कि ये हीरो है, वो खुद ही पहचान लेता है कि ये हीरो है और फिर उसकी विजय चाहता है। इसको बोलते हैं सनातन धर्म। इस सनातन धर्म की संरक्षा करने वाला कौन है? ट्रस्ट बनाया उसके लिए हमने,
उसके लिए बड़े बड़े संस्थान चाहिए चाहिए, उसके विस्तार के लिए चाहिए, उसको समझाने के लिए चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि सनातन तो वही है जिसका लोप नहीं हो सकता, चाहे समाज कितना भी खराब हो जाए, लेकिन वो प्रेम इन्हीं चीजों से करेगा। विचार करके देख लेना आप, वो प्रेम झूठ से नहीं कर सकता, वो प्रेम उद्दंडता से नहीं कर सकता, प्रेम ढोंग से नहीं कर सकता, प्रेम अभिमान से नहीं कर सकता, दुर्वचन से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम जब भी करेगा इन्हीं चीजों से करेगा, चाहे मैं वैसा हूं या नहीं हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कभी समाज नहीं बनने वाला है, कहीं का समाज ऐसा नहीं बनने वाला है जहां सनातन धर्म न होए। चुनौती है ये, समझ बूझ करके यही समझ में आता है कि सनातन धर्म का लोप कभी नहीं हो सकता, कभी उसका विस्तार हो सकता है, मानने वाले ज़्यादा हो सकते हैं, प्रेम तो सभी करेंगे लेकिन प्रैक्टिस करने वाले हो सकते हैं कभी कम हो जाए और कभी ज़्यादा हो जाए, बस इतना हो सकता है। हमारी आपकी जो भूमिका है वो ये है कि हम प्रैक्टिस करें उसको, और अगर हम करते हैं तो हो सकता है किसी और को भी प्रेरणा मिले, ये देख के नहीं कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देख करके कि ये प्रैक्टिस करते हैं और इनको सुख मिलता है। ध्यान रहे, अगर वो ये देखते हैं कि मैं प्रैक्टिस करता हूं और मैं दुखी हूं तो कभी भी प्रेरणा नहीं मिल सकती। जब कोई कहता है कि मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा दुष्प्रचारक, ईमानदारी का सबसे बड़ा दुष्प्रचारक वही व्यक्ति है। अरे भाई, आप दुखी होंगे अपनी बदजवानी के कारण, हो सकता है आपको बोलने ना आता हो, ऐसे हैं लोग, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, हो सकता है उनको ईमानदारी का इतना अभिमान हो जाए कि सबको बेईमान समझने लग जाए, ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, वो ये मानने को राजी नहीं है कि और भी कोई ईमानदार हो सकता है। तो आपकी जबान खराब है, दुखी आप उसके लिए हो और ब्लेम किसको करते हो कि मैं ईमानदार हूं इसलिए मैं दुखी, ये तो गलत एनालिसिस है, ये तो आपकी आपका विश्लेषण गलत है। तो आप देखें, ये जो पहला विशेषण वाल्मीकि जी ने दिया भगवान का, ये सगुण साकार का विशेषण है। श्रुति सेतु पालक राम तुम, हे श्री राम, आप श्रुति सेतु, ये श्रुति जीव भाव से उठा करके ब्रह्म भाव में प्रवेश कराने वाला सेतु है। ये लंका पे बना हुआ पुल है, ये तो मैं विनोद में बोल गया, सेतु एक जगह जहाँ मैं हूँ वहाँ से उठाए और जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ पहुँचा दे, बीच में धारा बहती है तो बहने दो। ये बड़ी से बड़ी धारा बहती हो, अगर सेतु बना हुआ है, जौनृप सेतु कराही तो पिपील को परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई,
गोस्वामी जी लिखते हैं, चींटी भी पुल का सहारा लेके गंगा जी को पार करती है और बड़े बड़े तैराक गंगा जी में डूब जाते हैं। लेकिन अगर सेतु से चले, सेतु माने ब्रज, अगर सेतु से चले तो चींटी भी उस पार जा सकती है, ये है। तो भगवान उस सेतु की रक्षा करते हैं। वो सेतु क्या है? श्रुति सेतु। वेद स्वयं ही सेतु है, वो सनातन धर्म है, उसके एकमात्र संरक्षक। हाँ, एकमात्र बोलो ट्रस्टी, क्योंकि दूसरे में दम नहीं है। और कौन है जो सनातन धर्म की रक्षा कर सकता हो? हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, हर बार यही लगता है कि हमारी प्रैक्टिस भी अधूरी है। श्रुति सेतु पालक राम तुम, और जिनको आप जानकी जी बोलते हो, जगदीश माया जानकी, ये जो माया है त्रिगुणात्मिका दैवी हेशा गुणमयी, ये जो हमारी माया है, आप समझते हैं माया को वेदांत में प्रायः बड़ा निगेटिव अर्थ में ही रखा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब हम कर्म करने जाते हैं ना, तो वह जो रजोगुण है वो हमारी कर्म में मदद करता है। जब हम चिंतन करने जाते हैं तो जो सत्वगुण है वो हमारी मदद करता है, और जब हम विश्राम करना चाहते हैं तो उस समय जो तमोगुण है वो हमारी मदद करता है। वेदांत एक बहुत गंभीर विद्या है, उसको कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए। माया के बहुत रूप हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें संक्षेपण। तो ध्यान रखें कि माया को हर समय केवल नकारात्मक अर्थों में लेके चलना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर सत्वगुण नहीं होता तो विचार ही नहीं हो सकता था, अगर रजोगुण नहीं होता तो कोई सृजन नहीं हो सकता था, और अगर तमोगुण नहीं होता तो मैं आपको बताऊं विश्राम नहीं कर सकते थे आप। तो इसलिए माया बहुत पॉजिटिव अर्थों में भी आती है। केवल एक जो उसमें निबंधन का गुण है, बस उसकी वजह से वेदांत केवल उस अंश को लेकर के उसको बार बार बंधनात्मिका समझती है, अन्यथा तो सर्वात्मिका वही है। और मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो वेदांत के अनुसार प्रकृतिश्च, अब यहाँ बोलने लायक है कि नहीं, लेकिन सुन लो, बच्चे भी बैठे हैं। प्रकृतिश्च ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, वहाँ बोलते हैं प्रकृति भी ब्रह्म ही है, वह कोई दूसरी वस्तु नहीं है। प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधाच्च, ऐसा सूत्र है। प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधाच्च, व्याख्या नहीं करता मैं, बढ़ जाता हूँ। आप लोगों को कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, ये जो माया जानकी जी को बोलते हैं तो निगेटिव अर्थ में नहीं बोल सकते, सर्वकर्त्री हैं वो, सब कुछ करने में समर्थ हैं, ये आपके साथ चलती हैं। और तो क्या बोलें, स एकाकी नारमत वेद ने कहा, और फिर द्विधा भवती, वही फिर दो बना, एक ही ब्रह्म दो बना, तो ऐसा वर्णन है। उस सर्वकर्त्री के रूप में माता जी हैं, और लक्ष्मण जी, जरा माता जी का वर्णन कर दिया, जो सृजति, देखना ये नहीं कह रहे हैं जो बांधती है, क्या लिखा, जो सृजति जग पालती और महाप्रलय में हरती,
मिला ये जो सृजति जग पालती हरती। मनमर्जी बोले नहीं, रुख पाई कृपा निधान की। आपका संकेत पाकर के सब वही करती है, सृजन भी वही करती है, पालन भी वही करती है, महाप्रलय भी वही करती है। ये माता जी बैठी हैं। आप समझते हो कि मैं आपको राजा रानी समझ करके आशीर्वाद दे रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आप कौन हो। अब भगवान पे क्या गुजरी होगी, बोली ये तो मेरा नाटक बिगाड़ने वाले हैं। मैं तो दूसरे रूप में आया और यहाँ पूरी पोल खोली जा रही है। लक्ष्मण जी कौन हैं जो सहस शीस अहीस महीधरु लखन सचरा चरधनी सुर काज धरी। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए धरि नरराज तनु, सम्राट का शरीर धारण करके प्रभु आप चले हो राक्षसों का वध करने के लिए। ये तो आपका साकार रूप है। और बोलो, अब भगवान क्या बोले, अब बोलिए आपको कौन रोक सकता है। बोले, आपके निराकार रूप को भी मैं जानता हूँ। साकार रूप आपका क्या है? श्रुति सेतु पालक। निराकार रूप आपका क्या है? देखिए यहाँ, राम स्वरूप तुम्हार। हे राम, ये आपका रूप था जो मैंने बताया। अब आपका स्वरूप बताता हूँ। आपका स्वरूप क्या है? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। ये तो आप लोगों ने खूब पढ़ा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। कैसे है न यत्र, कैसे है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये पंक्ति है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत। अभिगत माने आप ऐसी सत्ता हो प्रभु जो कभी विगत नहीं होती। विगत हो जाए तो सनातन नहीं रहेगी। आप हो लेकिन आप अविगत हो, हमेशा अविगत, अकथ। अविगत के दो अर्थ करते हैं लोग, क्योंकि गम धातु जानार्थ भी होती है, इसलिए बोलते हैं आपको जाना नहीं जा सकता। अविगत, अकथ, अपार। वेद चला था आपको बताने के लिए, लेकिन उसने बाद में क्या बोला, नेति नेति नित वेद कह। ये आपका स्वरूप है। आप वाल्मीकि जी को देखो जरा। वाल्मीकि जी एक बार बोलते हैं आपका साकार, सगुण साकार रूप क्या है, फिर बोलते हैं आपका निर्गुण निराकार रूप क्या है, और अब एक पंक्ति बोली। दृग्दृश्य विवेक पढ़ा है आप लोगों ने, सुनिए ये। जग पे खन तुम देखनी हारे, हे प्रभु आप कौन हो? बोले, जगत दृश्य है, आप दृष्टा हो। ये रामचरित मानस में भगवान का स्वरूप है। जग पे खन तुम देखनी हारे, ध्यान रहे बच्चे लोग, यहाँ ये नहीं कहा कि आप वृत्तियों के दृष्टा हो। आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उन्होंने कहा पूरा जगत दृश्य है, ठीक है ना,
पूरा जगत दृश्य है, इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों ने दृश्य में दो विभाग किए, अविद्या में हम लोगों ने दृश्य के दो विभाग किए। एक को कहा मैं, है ये दृश्य, लेकिन इसको मैंने कहा मैं और इसको कहा यह, ठीक है ना? ये चर्चा हुई थी क्लास में। तो जब दृश्य का दो विभाग करते हैं तो मैं का जो दृष्टा है नीचे अंदर अंदर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये दृष्टा है। और जगत का कौन है? बोले जगत का अधिष्ठान होता है, फिर दृष्टा भूल जाते हैं। जब संपूर्ण दृश्य को एक बनाते हैं ना, तब उसको बोलते हैं जग पेखन। दृश्य कहाँ से शुरू होता है? बुद्धि से। कहाँ तक जाता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ही एक दृश्य है। यह विभाग गलत है। ये जो हम विभाग करते हैं कि इतना छोटा सा एक दृश्य है, वो तो रहा दृश्य, इसका मुझे दृष्टा खोजना है, और आगे है जगत, जगत का अधिष्ठान खोजना है, फिर वहाँ से गलती हो जाती है। यहाँ हमारे वाल्मीकि जी बहुत सजग हैं। जग पेखन, विस्तार नहीं कर रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना। जग जो दृष्टा अनेकवाद है ना, वो उसका कारण यही गलती होती है। अच्छा, जग पेखन तुम देखनी हारे, मैं बहुत संकोच कर रहा हूँ विस्तार में, आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन आगे चलो। जग पेखन तुम देखनी हारे, आगे देखो क्या लिखा है। विधि हरि शंभु नचावनी हारे, प्रभु आप कौन हो? आप इन तीनों को भी नचाते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नचाते हो, और वो नाचते हैं लेकिन आपको नहीं जानते। तेउ न जानही मर्म तुम्हारा, ये तुलसी के राम है, ये किसी एक के अवतार नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ वैष्णव शैव करना या और कुछ करना, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई तुलसी के राम को न जानता हो तो उससे तो ये गलतियाँ होंगी। विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउ न जानही मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा, और आपको जानने वाला कौन है? अब यहाँ तो पूर्ण विराम लगा दिया, माने कोई जानता ही नहीं भगवान को। बोले नहीं, कुछ लोग जानते हैं। कौन लोग जानते हैं? ये बहुत महत्व का बिंदु है, अगर इस पर जरा ध्यान दिया जाए, बहुत महत्व का है। क्या बोलते हैं? सोई जानई, सोचिएगा जरा, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग जानते हैं। कौन है वो? बोले सोई जानई जही देहु जनाई, वही जानता है जिसको आप जना देते हो। अच्छा, जानने के बाद क्या होता है? जानत तुम्हें ही हो ही जाई, और जानते ही वो केवल आप हो जाते हो, वो नहीं रहता। गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही, माने वो नहीं रहता तुम रह जाते हो, ऐसा नहीं कहा। बोले तुम्हारा जीवत्व तो नहीं रहता, केवल सच्चिदानंद प्रभु रह जाते हैं,
गीता जी में ये बात कही गई। गीता जी का ये तरीका है, गीता जी ने एक शब्द बोला, कोई बोल सकता है तो बोले, मद्भावम सोधि गच्छति, 14वें अध्याय में आता है, नान्यम गुणेभ्यः द्रष्टारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधि गच्छति। मद्भावम सोधि गच्छति, उस वाक्य का ये अनुवाद है, जानत तुम्हें ही हो ही जाई, सो जाने जे देव जनाई। प्रभु आप किसको जनाते हो, आपका मूड आ जाता है और फिर किसी को बता देते हो, या मैंने उसमें कुछ योग्यता होती है तब बताते हो? मूडी हो क्या आप? मैंने आखिर तो आप किसी को बताते हो और किसी को नहीं बताते हो, इसका क्या मतलब है? किसको बताते हो? तुम बोलते हैं तुम्हारी कृपा तुम्हें ही रघुनंदन। हे प्रभु, जब आप कृपा करते हो तो तुमको जानता है, आप कौन हो? बोले भक्तों के हृदय को शीतल रखने वाले। हे मेरे मालिक, आप कौन हो? बोले भक्तों के हृदय को शीतल रखने वाले, चंदन हो चंदन। उनके हृदय में कभी गर्मी नहीं जाती। देखो क्या पंक्ति लिखी, जान ही भगत, योग्यता क्या है जानने वाली, जान ही भगत, अभगत न जान ही, इसका मतलब यह है, जान ही भगत। और आप कौन हो? बोले यात्रा के समय में भी आप उनको ठंडा रखते हो। जान ही भगत, भगत उर चंदन, तुम्हारी ही कृपा तुम्हें ही रघुनंदन। भक्ति करे नहीं तो भगवान को मूडी बना दे, वो गलत बात है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कैसे करें? एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, शायद आपके काम में आवे इसलिए बोलता हूं। मन क्रम वचन छाणी चतुराई है, तो बहुत छोटी सी बात और बहुत बड़ी बात है। क्या बोला उन्होंने? मन क्रम वचन छाणी चतुराई। बोले देखो भाई, भगवान के भजन में चालाक मत बनना, जैसे हो आप वैसे प्रभु के सामने अपने को रख दो। ये आपकी जो चालाकी है ये 2 कौड़ी की भी नहीं है, किसी काम की नहीं है। चालाकी का तो मैंने केवल इतना मतलब समझ पाया हूँ अब तक, कि आदमी को इतना चालाक परमिटेड है। अब मैं कौन होता हूँ परमिट करने वाला, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि दूसरे की चालाकी आपके ऊपर सफल ना हो। बस, लेकिन आपको 1000 अवसर मिले, आप किसी से चालाक मत बनो, अपनी आदत मत बिगाड़ो। इतना परमिशन है कि अगर दूसरा आपसे चालाकी करे तो यू प्लीज डोंट ओवलाइज हिम, नो। क्योंकि एक निश्चल होना और एक फीलिंग चीटेड, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब दूसरा व्यक्ति आपके साथ चालाकी करता है, यू फील चीटेड।
वहाँ नहीं, लेकिन आपको चाहे हजार अवसर मिलें, तब अगर आप चालाकी करते हो तो वो आप अपनी आदत बिगाड़ते हो, तब आप साधक भी नहीं हो। और भगवान के भजन में तो आप चालाकी बिल्कुल ही मत करो। गोस्वामी जी ने मना किया, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। वादा है अगर ऐसा भजन करोगे तो कृपा जरूर होगी, ये गोस्वामी जी ने वचन दिया है। लेकिन हम चालाकी छोड़ नहीं पाते, माने हमारी दुर्गति ये है कि हम लोग जो हमारे लिए बंधन है उसको अपना आभूषण समझते हैं। आप समझदार बनो, यू डेवलप द एनालिटिकल माइंड, दैट इज गुड। और आप जानते हो एनालिसिस करने के लिए तटस्थता बहुत जरूरी है, आपको निरपेक्ष होना पड़ेगा, असंग होना पड़ेगा, वो एक अलग ढंग की कहानी है। डेवलपिंग द एनालिटिकल माइंड इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। लेकिन हम तो मैंने बहुत बार फिलॉसफी को भी यूज इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग भी यूज इट, वो एक गलत बात है। नहीं जी नहीं, वो एक भयंकर बात है। वो किसी और को नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, लेकिन वो हमें नुकसान जरूर पहुंचाएगी। गोस्वामी जी बहुत साफ लिखते हैं, छाणी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। ऐसा अगर भजन जीवन में होता है तो कृपा अवश्य होगी। चतुर मत बनो भाई, चालाकी क्या चीज है। अच्छा भाई, तो तुम्हारी कृपा, ये जो तुम्हारी कृपा शब्द है ना, उस पर ये चौपाई लगा देनी चाहिए। कृपा कहाँ से आई, एक्सीडेंट नहीं है, ध्यान रखना। एक होता है अहेतु की कृपा, वो सामान्य कृपा है जो सबके ऊपर है, जिसकी वजह से हम और आप जी रहे हैं, वो विशेष कृपा नहीं है। विशेष कृपा होने के लिए तो भगत, क्या शब्द लिखा यहाँ, जान ही भगत, ये तो गोस्वामी जी ने बताया, अवतार का प्रयोजन ही यही है। सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कृपाल परम अनुरागी। तो गोस्वामी जी तो ये बात मानते हैं कि अवतार तो भक्तों के लिए ही होता है। तो कृपा एक बहुत बड़ा हेतु बताया, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। दसम स्कंद दसम अध्याय में गीता जी के कृपा का एक हेतु बताया मैंने, गोस्वामी जी को तो सुनाया आपको। दसम अध्याय में तीन श्लोक हैं, बहुत प्रिय हैं मुझे तो, अगर कोई बोल दे। मच्चित्ता, या इतना बढ़िया शब्द है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तस्य माम नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। आगे तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम। गीता जी में प्रभु ने कहा, तम बुद्धियोगं ददामि, तम तम भक्तम
उस भक्त को मैं बुद्धि योग देता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। वह बुद्धि योग देता हूँ जिसको लेके वो मेरे तक पहुँचता है। इतना ही नहीं, मुझे चिंता होती है कि ये कैसे पार उतरेगा। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भूयस्थ आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता तेषाम एवानुकंपार्थम। भगवान बोलते हैं केवल उन्हीं के ऊपर मेरी अनुकंपा होती है और मुझे चिंता होने लगती है कि इनका किस तरह से भला होगा। भगवान भाष्यकार को पढ़ना इस पंक्ति पर, अब ये मैं श्लोक नंबर नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये दसम अध्याय के 10वें 12वें श्लोक के आसपास कहीं होगा। कौन सा? हाँ, वहीं कहीं होगा। आप पढ़ना इस पर भाष्य, पढ़ना भगवद गीता पर भगवान भाष्यकार का। वहाँ लिखते हैं कथम नो अस्य श्रेयस्यात्, इसका कैसे भला हो, ये मेरी चिंता है। ये भगवान बोलते हैं। तो ये जो कृपा शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है ये, तुम्हारी कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन, जान ही भगत, भगत जान ही, जान ही भगत, भगत उर चंदन। ऐसा भक्त जब यात्रा करता है तो उसके जीवन में जो ताप संताप आते हैं उसको भी आप शीतल रखते हो। किसको जानता है? बोले आप ही को जानता है, आपकी ही कृपा से। क्या अद्भुत वाणी है। बोलते हैं ते उन जान ही मर्म तुम्हारा, माने ब्रह्मा विष्णु महेश आपका मर्म नहीं जानते, लेकिन आपका भक्त जानता है। बहुत बड़ी बात कही। कैसे जानता है? अपनी मेहनत से। बोले हाँ, मेहनत करता होगा, उसकी मेहनत इतनी ही है कि वो निश्चल होकर भजन करे। ये सबसे बड़ी बात है, निश्चल होके भजन करना। राम राम। जान लिया तो देखो, जानत तुम्हें ही हो ही जाई। क्या जानता है आपको? वो भी खुला नहीं छोड़ा कि जो जानता है वो जानता है, ऐसा नहीं। अगर वो जानता है तो आपको ऐसा ही जानना चाहिए। कैसा? चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपका देह जो है ना, ये पंचभूत से नहीं बना है। ये उसको पता होना चाहिए। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अब आप देखें, कृपा शब्द कहा, फिर भगत शब्द कहा, और फिर यहाँ पे अधिकारी शब्द कहा। अधिकारी कौन है? जो भगत है। ये विगत विकार जान अधिकारी, कोई अधिकारी है जो यह बात जानता है। अधिकारी माने जो भगत है। भगत माने मच्चित्ता। मच्चित्ता माने कैसे विग्रह करेंगे? मई गतम चित्तम यस्य, इतना ही रखो अभी। मई गतम चित्तम यस्य, जिसका चित्त मुझ में गया हुआ है, बस इतना।
गोपियों के लिए भी कहा गया मत चित्ता, वहाँ अर्थ जरा गंभीर होता है। इसलिए गोपियों का मन खोजने जाओगे तो उनका मन नहीं मिलेगा, मैं मिलूँगा, उसको बोलते हैं मच्चित्ता या मन मनस का मच्चित्ता, ऐसे श्लोक हैं। शास्त्र तो ऐसे हैं भाई, रस से भरे हुए। शर्त है कि प्रभु अनुग्रह करे तो थोड़ा रस हमें भी मिल जाए, ऐसा ही है। मच्चित्ता मत गतप जान अधिकारी, नर तनु धरेहु संत सुर काजा। पहले बोला था देवताओं के काम के लिए, अब जोड़ दिया धीरे से, नर तन धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। जैसे सामान्य सम्राट व्यवहार करते हैं, हे प्रभु आप ऐसा ही व्यवहार करते हो और जो आप करते हो बस ठीक ही है सब। अविवेकी होगा तो मोहित हो जाएगा, जो जानता होगा वो बहुत प्रसन्न होगा। इस पंक्ति को जरा अंडरलाइन कर लेना हमारे ब्रह्मचारी लोग विशेष रूप से, और गृहस्थ लोग भी कर लें। देखें जी, एक पंक्ति है याद रखनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग कई बार मनुष्य के बारे में ऐसा वर्णन है कि ये ज़्यादा नकलची है, एनालिसिस कम करता है। तो जब कोई एक व्यक्ति कुछ करने लगता है और सपोज उसकी प्रशंसा भी होने लग गई तो फिर दूसरा व्यक्ति भी उसका अनुसरण कर लेता है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं, तुम जो कहो, आप जो कहते हो, तुम जो कहो करहु सब साचा। आप जैसा कहते हो और जो करते हो वो सब सही है। क्या बोलते हो आप, जस काछिए तस चाहिए नाचा। नाचना वैसा चाहिए जैसा वेश हो। ये पंक्ति लिखी, ध्यान रहे इस बात का। भगवान सम्राट नहीं है, भगवान है, वाल्मीकि जी के आराध्य हैं, उन्हीं की कृपा से वाल्मीकि जी को ज्ञान हुआ। राम राम बोला था उन्होंने, उन्हीं की कृपा से वाल्मीकि जी को ज्ञान हुआ। लेकिन राम जब सम्राट बनकर आए, राजकुमार बनकर आए, तो उन्होंने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, क्योंकि जैसा वेश है वैसा नर्तन होना चाहिए, वैसा आचरण होना चाहिए। आज जरा समय बदला हुआ है, आज हम कोई भी वेश धारण करते हैं और फिर कहते हैं ये कंफर्टेबल है। ये शास्त्रीय नहीं है, ये हम नकलची हैं। हम कोई बहुत बुद्धिमानी से हमने वो वेश पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। हमने केवल नकल की है, किसी की नकल की है, और वो आदमी कैसा होगा वो पता नहीं जिसकी हमने नकल की है। अब उठते उठते नाम तो गलत आ रहा है, लेकिन हमें छोड़ने गए थे लोग, तो जो आजकल जेल में है, तो मैंने थोड़ा वर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। वो संयोग से सिद्धवाड़ी में मैं जा रहा था, अंदर चला गया था, अंदर जाने ही वाला था तो नारे वारे सुनाई पड़े, तो मैंने पुलिस वालों से पूछा कि क्या कौन आ रहा है, तो बताया स्वामी जी आजकल डिस्को का ज़माना है, साधु लोग भी डिस्को ही करते हैं। हमने कहा वो साधु नहीं होगा, ऐसा कह के मैं आगे चला गया।
फिर पता चला वो मेरी अगली सीट पे बैठे थे जनाब, और वो सब हुआ। तो वो क्या है कि जब समाज हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है और हम भी फिर एक नंबर के नकलची होते हैं। अरे भाई, नेवी अपना यूनिफॉर्म नहीं बदलती, एयरफोर्स अपना यूनिफॉर्म नहीं बदलता, आर्मी अपना यूनिफॉर्म नहीं बदलता। हमको क्या राइट है? वी बिलोंग टू सर्टेन फोर्स। हमारे भगवान शंकराचार्य ने एक जीवन का ढंग दिया, हम उसको क्यों छोड़ते हैं, अरे गहरे की नकल करते हैं? यही तो, ये पंक्ति क्या लिखी है, माने पूरी सृष्टि का जो संचालक है वो अगर राजकुमार बन के आता है तो प्रणिपात करता है, और वाल्मीकि जी को आशीर्वाद देना पड़ता है। वो नहीं बोलते कि आप मत करो, ये आप देखते हो। ये तो ये एक पंक्ति छोटी सी है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कराया। समाज को भी ऐसे मामले में अगर वो असहिष्णु होता है तो मैं उसका बड़ा स्वागत करूँगा। समाज भी हर चीज़ को स्वीकार करे वो बात गलत है, गलत बात है। हमको कोई अधिकार नहीं पहुँचता है कि हम कुछ भी कैसे भी रहें और कुछ भी पहने और कैसे भी चलें और कुछ भी करें। नो सर, यू बिलोंग टू अ फोर्स। आप बोलते हो हम शंकराचार्य भगवान के अनुयायी हैं, आपको क्या हक पहुंचता है कि आप इधर उधर चले जाओ? कभी नहीं करना चाहिए। ओम तत्सत। ये पंक्ति मुझे बोलनी ज़रूरी थी, कल हम आगे बोलेंगे, दो दिन की क्लास और बची है शायद। कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। आज भी पाठ तो नहीं हो पाया। अब कल करेंगे पाठ, टाइम हो गया। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।